आम तौर पर हम लोग अपने देश में महंगाई की समस्या से जूझते हैं, पर क्योंकि चाइना में काफी अलग तरीके की समस्या आती है और आज की तारीख में चाइना की सबसे बड़ी समस्या है डिफ्लेशन, मतलब चाइना में जो सामानों की कीमतें हैं वो बहुत तेजी से कम होती जा रही हैं। अरे यार सच्चा भैया, मतलब किसी चीज की कीमत कम हो ली तो भी चाइना को समस्या है? अब आप बताओ, समोसा 2 रुपए का मिलेगा तो आपको क्या समस्या होगी? बेटे ये समझने के लिए तुम्हें चाइना में क्या हो रहा है ये समझना पड़ेगा। कुछ बेहतरीन सा बताएंगे, बाकी जो कम पड़ जाए वो आप कमेंट कर देना। देखिए जैसे ही कीमतों के दाम कम होने शुरू होते हैं, इससे जो सबसे पहला लॉस होता है वो कंपनीज को होना शुरू होता है, और कंपनीज अपने आप को बचाने के लिए सबसे पहले अपने एम्प्लॉइज को निकालना शुरू करती हैं, और इसीलिए चाइना में आज की डेट में सबसे ज्यादा लोगों को काम से निकाला जा रहा है। जैसे ही लोग बेरोजगार होना शुरू करते हैं वो खर्चा कम कर देते हैं, और लोगों के खर्चे का मतलब होता है डिमांड। जैसे ही डिमांड कम होती है, घाटे में चल रहे बिजनेस और बुरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं, और जिन लोगों की नौकरी ठीक भी चल रही होती है वो अपने चारों तरफ की नेगेटिविटी को देखते हुए खर्चा करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से सारे मार्केट बुरी तरीके से टूट जाते हैं।